कब देखेंगे बत्ती पीछे मुड़ के। मुड़ जाना उन्होंने, हुण मुड़ आने वाला है हमारा। ऐदा दे बंदे ना भी सैर करन की आना गाइस। मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। सुबह सुबह का समय है हमारे यहाँ पे, कल टाइम चेंज हुआ है डे लाइट सेविंग, सो अब वैसे तो हो जाते 9:30 पर अभी 8:30 है। तो मैंने और हस्बैंड ने काफ़ी क्लीनिंग की है क्योंकि आज गार्बेज जाने का दिन है, तो हमने हमारे गैराज को क्लीन किया है, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सनी है। तो मैंने सोचा कि दिन की शुरुआत करते हैं वॉक के साथ, तो हम दोनों वॉक करने के लिए जाने वाले हैं। वैसे ये समय होता है मेरा वीडियो एडिट करने का, या जो मैं रात को एडिट कर रही हूँ उसको फिनिश करने का। एडिट कर रही हूँ मैं दिवाली वाला व्लॉग, पर अभी तक थोड़ा सा समय और लगेगा। पर पहले मैं वॉक के लिए जाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मन है मेरा वॉक पे जाने के लिए आज। उसके बाद मुझे आज दो वीडियो शूट करनी है, एक तो है मेरी आरए अपडेट, क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन पूछते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, तो उसी में हम सारी कवर करेंगे। आज मुझे वो शूट करनी है और दूसरी एक मेकअप की वीडियो भी मुझे शूट करनी है, बहुत ही प्यारी सी पिंक मेकअप लुक। आई होप पिंक ही करूँगी मैं, क्योंकि पिंक करने बैठती हूँ कुछ और ही करती हूँ। ओके, मास्क क्यों पहना है मैंने? क्योंकि फॉल सीजन में बहुत सारा वो पॉलन उड़ता है और मुझे एलर्जीज है, सो अच्छा है कि मैं पहले से ही प्रोटेक्शन लेके रखूँ। और वैसे भी सनी है एंड मेरे यहाँ पे स्कार्स है, तो सन प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, मुझे अच्छा लगता है। सो या दैट्स इट, दैट्स अपडेट अबाउट मास्क, मी एंड माय मॉर्निंग चाय हम दोनों ने पी ली है। ओके, सो मैंने सोचा था सैर करेंगे, गपशप करेंगे, कोई पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, पति के साथ कोई फ्यूचर प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, पर पति बिजी है फ़ोन पे। पति तो इतना सैर कर रहे हैं जैसे कल ही आए हैं सैर करने के लिए, उनको तो पता भी नहीं कोई बंदा है नाल। मैंने समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा तो दिल करता है तो पीछे ही मुड़ जाऊँ मैं घर, और पति जब मुड़ के देखे और पीछे मैं हूँ आई ना रसी पति उधर अपनी दुनिया से, कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं कि कोई बंदा है। पति ना मेरे बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, आपको वीडियोस में लगता होगा कि मैं बहुत बातचीत करती हूँ, पर असल में रियल लाइफ में पति बहुत बातें करते हैं। और मेरा तो एक बार ऐसा टाइम आ जाता है कि मुझसे बोला ही नहीं जाता नॉर्मल लाइफ में दुनिया के साथ। मे बी इंट्रोवर्ट हूँ मैं, इसलिए कैमरे में मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। कैमरे में बोलना इज़ लाइक अकेले बोलना, अकेले हम लोग बहुत बातें करते हैं पर दुनिया के सामने नहीं होती है। कल हम लोग किसी दोस्तों को मिले और वो दोस्त की पत्नी काफ़ी बातें बता रही थी मुझे। मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि उसको क्वेश्चन करने की, उसकी लाइक हूँ तो कर रही थी मैं, पर ऐसे हूँ करना भी ऐसे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, सो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ता है। ओके, तो वैसे कैसे हुआ था, तो ऐसे करती हूँ मैं फेक। कल वैसे वो भी नहीं हो रहा था, बड़ी एनर्जी जो उठा के मैंने किया। घर पहुँचे तो मैं बहुत थका हुआ फील कर रही थी, आपने कल वाले व्लॉग में देखा होगा ना, वो ड्रेन हो गई थी मैं बातें सुन सुन के, या जितनी भी मेरे पास एनर्जी होती है वो बातें कर करके। नॉर्मल दोस्तों को अजीब लगेगा, मेरे पति को भी अजीब लगता है, बस जो इंट्रोवर्ट है वही समझ पाएंगे कि हमारी एनर्जी बातें सुन सुन के और बातें कर करके भी ड्रेन हो जाती है। अगर मैं अपना असली सेल्फ बाहर निकाल के किसी का दिल तोड़ना चाहूँ तो मैं कह दूँ कि बस कर यार राम डान, पर मैं दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ किसी का, रूड नहीं होना चाहती हूँ, फिर मैं सुननी रहनी है। सर इदा पति मेरे गप्पा मरी जाते मरी जाते मरी जाते मरी जाते, जितनी मर्जी गप्पा करा लो पति बहुत गल करते हैं। ओके, दैट्स इट। पति गल कर रहे हैं जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आ रहा है या नहीं। मैं दरख्त के पीछे रुक जाना हौली हौली। कब देखेंगे पति पीछे मुड़ के? मुड़ जाना उन्होंने, हुण मुड़ आने वाला है हमारा। ऐदा दे बंदे ना भी सैर करन की आना गाइस। ऐसे बंदे के साथ सैर करने से अच्छा है कि अकेले आ जाओ, अपने गाने सुनो, इंजॉय तो करो, उन पति दी गल्ला सुनते रहो। और पति दूर 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 कई और ही वादियों में निकल जाते हैं। अब आगे पता चल गया, मैंने वापस जाने का प्लान बना लिया था क्योंकि पति को पता ही नहीं चल रहा कि मैं हूँ नहीं हूँ। पति फ़ोन काटिए, दोनों हाथ ऊपर जाके दस रहे हैं कि मैं फोन नहीं पड़ेगा। नाउ आई कैन फॉरगिव हिम लेटर बैट। दोनों हाथ ऊपर जाके की दस सुनने हैं। बहु मैं तो ना वॉक करनी ही, गपशप करनी ही। तू फोन ते लगी सी? मैं नहीं लगी ही फोन ते, तो ही करो निकल रही, मैं तो 10 फुट दूर ही। क्यों कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज नाइस एंड लाइक कूल फॉर यू?
ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾ 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 ਬਲਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਿੱਠੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿਆ ਜੀ। ਐਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਲਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ। Yes. Okay, finally we are together forever. Again. Again. So हम दोनों शेयर करेंगे, गप शप करेंगे एंड जिंदगी की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे। I love that. अब एक किड़ा बढ़िया देना, क्लियर डे यार। टाइम में क्या शेयर करिए, शेयर करिए। Oh, hi guys. You know our coffee machine broke. And we have to throw it in the garbage, so. So, काफी परेशानी वाला दिन है, हमारी कॉफी मशीन खराब हो चुकी है, हमने काफी तरह ट्राई की इसको चलाने की पर नहीं चल रही है, तो ये बेचारी गुड बाय कह के जा रही है हमें छोड़ के हमेशा के लिए। अब दोबारा से कोई और मशीन लेनी पड़ेगी। पर यार काफी टाइम ये मशीन ने हमारा साथ दिया नहीं। मशीन तो मशीन है, कभी भी खराब हो जाती है। बाय गाइस। बाय गाइस। मेरा मन स्टार देखिए कितना बड़ा हो गया है, और मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड मेरे पौधे धीरे धीरे सेल कर रहे हैं, सो आप देख के हैरान हो जाएंगे। मेरे ऑलमोस्ट सारे पौधे जा चुके हैं, इस एरिया सारा सेल कर दिया है पति ने। जो पहला कोई प्लांट लेके गया ना, मेरा बहुत दिल दुखा, मैं लाइक आई क्राइड। अभी कुछ 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 बाकी है यार, आई एम वेरी सैड। मेरा इन्होंने देने के लिए बिल्कुल मन नहीं, कितने प्यार से मैंने इनको इतना बड़ा किया है। Alright, दोस्तों, साड़ी क्यूट बुगी इज डूइंग समथिंग इन कोल्ड। ठंडा यार। बहुत ही जम जाना यार, की कर दे रहे हैं। आप ही तो तुम इन्हें क्या कर? मैं तो इन्हें क्या कि कोल्ड आना ना करो, आदवान करो। नीचे लाओ, कैमरे चिकन नहीं, की कर दे रहे हैं। बाबू मैं तो इन्हें क्या कोल्ड वाला ना करो, तू को ओ मेरे कोड़े मेरे बच्चे I told daddy that to use this barbecue because it's cold. Daddy said, "Is it my baby?" He said, "These coals are my babies. I can't leave them alone." So बाहर के पेड़ की हालत ऐसी है, पेड़ हमारा चढ़ गया है सारा। पति ने डिसाइड किया है चिकन विंग्स बनाएंगे कोयले पे, एंड धुआं धुआं खड़ कर लिया है पति ने। एंड वह ठीक है, नॉट बैड है। तो एक पजामा नहीं ना पाया। मैं चिकन विंग्स बना रहे हैं अभी, देसी बारबेक्यू थे, कोयले वाले थे, कोयले वाले थे, शोले और शबनम पे। प्यारी तू चंगी बार बैठी, अंदर आनी नहीं दी। वेरी नाइस। तू ही थे बहु किलविश दे नुमाइंदे लगन दे। किलविश दे नुमाइंदे। शक्तिमान जी किलविश नहीं है, किलविश वो काला हुडी पा के रखदा ना हमेशा, पिछू दी तू ओदे ने मानने लगन दे। की कहंदा हुंदा ई बहु, हाथ सड्डा करके मेरा काम है। दोस्तों आपको शायद पता होगा या नहीं पता है कि सेफोरा पे वीआईपी सेल चल रही है। आई डोंट नो जब ये मेरी वीडियो जाएगी तब सेल चल रही होगी या नहीं, पर मैं अभी अभी सेल से शॉपिंग करके आने आई हूँ सेफोरा से ऑनलाइन। सो वहाँ पे चल रही है वीआईपी सेल। अगर आप इनसाइडर हैं या रूज हैं या फिर वीआईपी मेंबर हैं तो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है 15, 20 and 10। एंड सेफोरा की सारी कलेक्शन पे 30% ऑफ है, दैट्स वेरी वेरी गुड। सेफोरा की कलेक्शन में से सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगता है वो है लिक्विड लिपस्टिक्स, तो मैंने मेरे लिए 4 लिक्विड लिपस्टिक्स ली हैं। वैसे बहुत ज़्यादा समय हो गया है कि मैंने मेकअप की शॉपिंग नहीं की है, स्पेशली सेफोरा से। मैं अपनी ना हिस्ट्री चेक करी थी, परचेज हिस्ट्री, तो मैंने देखा कि मैंने जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स सेफोरा से खरीदे इतनी अच्छी तरह यूज़ किए हैं ना पूरा समय, और एक्सपायर होने के बाद मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि फिर मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने वही प्रोडक्ट्स दोबारा से खरीदे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 2-3 फाउंडेशंस जो मेरे फेवरेट हैं, एक तो है टू फेस का बॉर्न दिस वे, दूसरा है नार्स का नेचुरल रेडिएंट फाउंडेशन, वो मेरा गो टू फाउंडेशन है। सो जब भी स्पेशल ओकेजन हो या मुझे
स्पेशल अपना मेकअप बेस्ट दिखाना है तो मैं वही वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने वो फाउंडेशन 2019 में खरीदा है, सो 2019 एंड 20 पूरा ईयर मैंने यूज़ किया और पूरी बॉटल फिनिश है। कल मैं बॉर्न दिस वे भी देख रही थी, वो पूरी तरह फिनिश हो गया मैंने काफ़ी टाइम, तो वो खरीद लिया है मैंने। और एक मैंने नया फाउंडेशन मैं ट्राई करने वाली हूँ, वो है बेयर मिनरल्स का पाउडर फाउंडेशन। आपको पता है मेरे चेहरे पर स्कार्स हैं, जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो उसके बाद अगर पाउडर फाउंडेशन जिससे मैं मेकअप सेट करूँ अगर उसमें भी थोड़ी सी कवरेज हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है, ज़्यादा कवरेज आती है और ज़्यादा अच्छी फिनिश आती है। सो इस बार मैं बेयर मिनरल्स का नया फाउंडेशन ट्राई कर रही हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और मैंने 4 डिफरेंट लिक्विड लिपस्टिक्स खरीदी है सेफोरा कलेक्शन से क्योंकि 30% ऑफ था और उनकी जो लिक्विड लिपस्टिक की फिनिश है बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक कैट वॉन डी के क्वालिटी की है, वो आपके लिप्स पे पता नहीं चलता है, हैवी नहीं फील होता है, लाइक स्टिकी नहीं होते हैं लिप्स और उतरती नहीं है, बहुत अच्छी है वो। सो मैंने 4 ऐसे शेड खरीदे हैं जो मेरी स्किन पे सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो काफ़ी समय के बाद मैंने मेकअप खरीदा है, वो भी एसेंशियल्स, जब वो आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या। सो आपने देखा डिनर में हमने खा लिए हैं चिकन विंग्स एंड पास्ता सैलेड। चिकन विंग्स की मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, थोड़े सा खा लिया, थोड़ा सा सैलड खा लिया, मेरा डिनर हो गया, किचन को क्लीन करके अपस्टेयर्स आ गई हूँ मैं। अभी समय कुछ भी नहीं हुआ है, समय सिर्फ हुआ है 8:20। हिम्मत को सुला दिया जाएगा अराउंड 9:30। सो मैंने हस्बैंड को कहा है कि मुझे 30-40 मिनट दो, मैं अपना ऊपर स्पेंड करना चाहती हूँ, थोड़ा मेडिटेट करना चाहती हूँ, स्किन केयर करूँगी अपने आप को, यू नो सेल्फ केयर पे मुझे समय चाहिए। सो अब मैं सेल्फ केयर करने वाली हूँ, मेरा प्लान है फेस क्लिंजिंग करने का एंड मास्क लगाने का। सो मेरे पास ये प्यारे प्यारे से सैम्पल्स हैं कील्स के, एक है क्लिंजर क्यूकम्बर वाला कंडीशनिंग क्लिंजर, इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं कोई क्ले मास्क लगाऊंगी एंड देन मैं शीट मास्क लगाने वाली हूँ, ये ब्रांड द क्रीम शॉप ब्लूबेरी एंड बनाना। सो यही काम करने के लिए आई हूँ मैं और मैंने कहा कि आपको भी है बाय बाय कर दूं मैं। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको ये रोज वीडियोस देखना अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस रोज देखना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को कभी भी मिस नहीं करें। अगर आप सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जा रहे हैं तो बेल को भी क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मेरी नई वीडियो आए। सो थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, आई एम वेरी 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 थैंकफुल, आई लव यू गाइस सो वेरी मच। कल मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।